कि एक साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है, अगर कुछ दुर्घटना फिर से घट जाएगा और किस कारण टूटा पता ही नहीं है। मैं ये भी माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां से मुझे कुछ फोटो आया, वहां के कुछ स्टाफ ने मुझे दिया, तो मैं डीएम को प्रधान सचिव महोदय को दिखाया, फिर से जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया। अब बताइए इतना डिजाइन में फॉल्ट है कि स्ट्रक्चर में फिर सबको तुड़वाया जा रहा है। तो बार बार अगर ऐसा होगा, जब चालू हो जाएगा आवागमन, कुछ बड़ा दुर्घटना नहीं घट जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अविलंब जांच, एक साल में जांच में जांच रिपोर्ट करके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो चाहे उसमें जो आपने आपने आप आपने सारे इंफॉर्मेशन को दे दिया माननीय मंत्री पद निर्माण महोदय। स्पष्ट जवाब है, अब क्या इश्यू है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। पुल टूटने का कारण, और आप सदस्य को हम निश्चिंत रहने के लिए कहेंगे कि इस चीज को हम खुद भी रिव्यू मीटिंग में देख रहे हैं, एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में फिर से ऐसी घटना ना हो, क्योंकि आपने बताया कि कोई तस्वीर आपको भेजी गई है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि क्षतिग्रस्त पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार किया जाएगा, तो भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछना है कि इनको मंत्री जी को संज्ञान में नहीं है, वो तो टूटा तो टूटा, उसके बाद अभी एक महीने पहले जो नया पिलर का जो कंक्रीट हो रहा था उसमें भी क्रैक आ गया, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको अपने स्तर से दिखवा लें। मुझे उम्मीद है कि अच्छा ऐसे ही दिखवाएंगे मंत्री जी। धन्यवाद। नहीं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो जरूर देखा जाएगा, किसी के जान मान का नुकसान ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो, इसका सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है ध्यान रखने का काम करेगी। माननीय